नमो बुद्धाय। आज हम लोग सीखेंगे बहुत सुंदर भगवान बुद्ध की एक उपदेश। ये सूत्र उपदेश है संयुक्त निकाय में। यह उपदेश का नाम है भद्रक सूत्र। क्या नाम है? भद्रक सूत्र। भद्रक मतलब एक आदमी का नाम है। एक गांव का मुखिया जी था, उसका नाम भद्रक गामिनी। तो भगवान बुद्ध उसी भद्रक गामिनी को ये सूत्र उपदेश बताए हैं। ये सूत्र उपदेश देते समय भगवान बुद्ध थे मल्ल देश में, उरेलकप नाम का एक छोटा गांव में। उस दिन भद्रक गामिनी भगवान बुद्ध के पास आकर के नमन करके बैठ के एक सुंदर प्रश्न पूछा। नॉर्मली हम लोगों से कोई प्रश्न पूछेगा तो कोई कोई लोग पूछता है, हमारा पास टेंशन है बंते जी, बहुत परेशान है, बेटी का शादी हुआ नहीं, या मेरे आर्थिक दिक्कत अभी तक है। ऐसा आलतू फालतू प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध जी से बहुत प्रश्न पूछते थे लोग। उस समय लोग पूछते थे भगवान बुद्ध जी, हम लोग तो क्रीम पाउडर सेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मुलायम मुलायम वस्त्र वगैरह पहनते हैं, हम लोग शादी उदी करके रहते हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन बिताने वाले हम लोगों के लिए कुछ उपदेश दे दीजिए। ऐसा प्रश्न भगवान बुद्ध जी से बार बार लोग पूछते थे। लेकिन ये भद्रक गामिनी जो पूछा है वो प्रश्न का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? ऐसे हैं तो उसका लक्ष्य होना चाहिए जीवन सफलता बनाना। भगवान बुद्ध इस संसार में जन्म लेने के कारण सारे लोगों को दुख अवबोध करने का मौका मिलता है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा को नष्ट करने का मौका मिलता है। दुख नष्ट होना प्राप्त कर सकता है तथा दुख खत्म करने का मार्ग आर्यष्टांगिक मार्ग प्रयास कर सकता है। ये बात भद्रक गामिनी भी कभी सुने होंगे। उसी समय भारत में हर जगह में भगवान बुद्ध के धर्म सुनाई दे दिया। तो ये भगवान बुद्ध को नमन करके पूछा, भगवान बुद्ध जी मुझे दुख जन्म लेने के बारे में तथा दुख नष्ट करने के बारे में बता दीजिए। क्या है? मुझे दुख कैसे उत्पन्न होता है तथा दुख कैसे खत्म हो जाता है, ये रास्ता मुझे बता दीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत सरल से, बहुत सिंपल से भद्रक को ये बात समझाया। भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्यवान भद्र, मैं आपको ये बात इसी प्रकार से बताया तो कि अतीत में दुख ऐसे जन्म लिया है, अतीत में ऐसे दुख नष्ट हो गया है, अतीत के बारे में मैं आपको बताया तो आपको शक आ सकता है, क्या पता अतीत में जो हुआ हुआ सकता है या नहीं भी हो सकता था। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, भद्रक मैं आपको भविष्य के बारे में बताया तो भविष्य में इसी प्रकार दुख उत्पन्न होता है, इसी प्रकार दुख नष्ट होता है, आपके मन में शक आ सकता है, क्या पता भविष्य में ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
पुण्यवान भद्र, मैं आपको बता दूंगा, जहां आप बैठ के रहता इसी आसन में से हैं, दुख कैसे देख सकता है, दुख कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, मैं ये आपको बता दूंगा। ऐसे सुनने के बाद भद्रक बहुत खुश हो गया। इसके बाद भद्रक से भगवान बुद्ध पूछ रहे थे, पुण्यवान भद्रक, आप क्या सोचता है, ये उरुवेल कप गांव में कोई कोई लोग हैं, मरने के बाद आपको दुख आता है क्या, किसी को कष्ट तकलीफ परेशान आने के बाद दुख पछता हो, अफसोस चिंता होता है। भद्रक बताया, तथागत, इस गांव में कोई कोई लोग हैं, मर गया तो मुझे शोक उत्पन्न होता है, दुख आता है, शायद कोई कोई किसी को आपत्ति आने के बाद मैं रोएगा, चिल्ला चिल्ला के रो सकता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने पूछा, भद्रक मैं आपसे ऐसे भी पूछूंगा, इस उरुवेल कप गांव में और लोग होता है लेकिन मरने के बाद आपको कोई दुख नहीं है, वे लोगों को कोई कष्ट तकलीफ आपत्ति होने के बाद आपको आपको कोई चिंता भी नहीं है। गामिनी बताया, हे भगवान बुद्ध जी, ऐसा लोग भी इस गांव में हैं, वे लोग मुझे जिंदा हो गया तब भी मर गया तब भी कोई फर्क नहीं है, वे लोगों को कुछ भी कष्ट तकलीफ परेशान आ गया तब भी मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे कोई चिंता दुख तकलीफ नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध ने पूछा, कमाल की बात है, इस गांव में कोई कोई लोग हैं, उन लोग को आपत्ति दुख तकलीफ होने के बाद रोना पड़ता है, और इस गांव में ही और लोग होता है, मरने के बाद दुख तकलीफ में आने के बाद कोई चिंता नहीं है। ये भद्रक बहुत बुद्धिमान है, वो बोलता है, भगवान बुद्ध जी, इस गांव में कोई कोई लोग मरने के बाद रोना पड़ता है, दुख शोक अफसोस करना पड़ता है, और लोग हैं मरने के बाद कोई दुख तकलीफ परेशान नहीं, रोना जरूरत नहीं है। वो जो उन लोग को दुख तकलीफ आने के बाद रोना पड़ता है, इसका कारण चंद राग है, मुझे उन लोगों के ऊपर प्यार है, बाकी लोगों को कुछ हुआ था भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि वे लोगों के ऊपर मेरा मन में चंद राग नहीं है, प्यार नहीं है। भगवान बुद्ध बताए, गामिनी, यही है धर्म, ये चीज देखिए, बताया उपदेश बहुत हल्का है, किसी को भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आया होगा। अभी जी जो गामिनी आप एक धर्म देखा है, छंद राग के कारण ही दुख उत्पन्न होता है, प्यार से ही, ये अभी डाल दीजिए आप अतीत में, भूतकाल में डाल दीजिए, तथा अनागत में भी, भविष्य में भी डाल दीजिए। भूतकाल में जो कोई दुख उत्पन्न हुआ तो वो सारे दुख इच्छा के कारण ही उत्पन्न हुआ था, और भविष्य में जो कुछ दुख उत्पन्न होता है वो सारे दुख भी इच्छा के कारण ही उत्पन्न होगा, ऐसा अतीत एवं भूतकाल दोनों तरफ से डाल के देखने के लिए बताया। ये सुनने के बाद हम लोग तेज होना चाहिए धर्म अपने से देखने के लिए, अपना जीवन को देखने के लिए। जीवन को देखने के लिए एक चीज का जरूरत है, वो है
स्मृति ध्यान का जरूरत है। लोग जीवन में कितना रोते हैं, कितना अफसोस करते हैं, कितना पछताते हैं, कितना चिंता में रहते हैं, लेकिन ये सारे दुख तकलीफ उत्पन्न होने का कारण अंदर है। भगवान बुद्ध ने बताया, वर्तमान में जिस प्रकार से दुख भोगना पड़ता है वैसे ही है भूतकाल में भी, अतीत काल में भी, भविष्य में भी वैसे ही है। ये सारे दुख का मूल, छंद मूल का, इच्छा मूल होते हुए सारे दुख उत्पन्न हो गया। भविष्य में भी जो कुछ दुख उत्पन्न होगा तो इच्छा के कारण ही उत्पन्न होगा। अगर ये धर्म के रास्ते पे जाने वाले किसी को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक दिन विशाखा, भगवान बुद्ध के रास्ते पे जाने वाली एक महान माताजी विशाखा, दोपहर में बाल भिंगा के भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने पूछा, विशाखा क्या हुआ दोपहर में ये बाल भिंगा के? बताए भगवान बुद्ध जी, मेरी पोती मर गई, मेरे पोते का अंतिम संस्कार खत्म करके हम आ रहे हैं अभी। इसके बाद विशाखा से भगवान बुद्ध पूछे, विशाखा आप वो पोती को बहुत प्यार होता है ना? विशाखा बताए, भगवान बुद्ध जी मैं उस पोती को बहुत ही प्यार करती हूँ, घर में रहते समय पूरा घर भरा हुआ रहती है, इधर उधर दौड़ते समय मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछे, ऐसे है तो विशाखा ऐसा और छोटे लोगों को आपका मन में प्यार होगा? वो बताए, हाँ तथागत, मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद पूछे, ऐसे है तो विशाखा आपको पसंद है उत्तर प्रदेश में हर जगह के छोटे छोटे लोग आपका पोता पोती होना अच्छा लगता है? विशाखा बताए, कितना अच्छा है भगवान बुद्ध जी, बहुत अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछा, विशाखा एक दिन में ये श्रावस्थ में कितना लोग मर जाता है, कितना छोटे लोग मर जाते हैं उत्तर प्रदेश में? वो बताए, भगवान बुद्ध जी ये श्रावस्ती प्रदेश बहुत विशाल है, एक दिन में दो मर जाता है, तीन मर जाता है, कभी कभी छः सात मर जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसे है तो विशाखा ये श्रावस्ती प्रदेश के सभी लोग, बच्चे लोग आपका पोता पोती हो गए तो हमेशा आपको बाल भिंगा के रहना पड़ेगा। ये बात बोलने के बाद विशाखा को तुरंत समझ में आ गया। तुरंत वो बताए, हे भगवान बुद्ध जी मुझे एक भी पोता या पोती का जरूरत नहीं है। अगर आजकल ऐसे बात बताया तो किसी को समझ में आएगा? बुद्धिमान लोग अभी संसार में है ही नहीं जैसा है, बहुत ही कम है। कोई कोई लोगों को इस संसार में जब तक जन्म लेता है तब तक उसी प्रकार दिक्कत मिल जाता है, दुख तकलीफ मिल जाता है। वे लोगों को धर्म की बात बताया तो, भगवान बुद्ध की बात बताया तो समझ में नहीं आता है। उन लोगों को रोना चाहिए, चिंता करना चाहिए, हम अभी क्या करें,
हमारा ऐसा घटा हो गया, रोता है। लेकिन देखिए, बुद्धिमान लोग को ये सत्य समझ के बिना रो के आंसू पोंछ कर रह सकता है। ये आर्य सत्य भद्रक गामिनी को भी समझ में आ गया। भद्रक गामिनी बताता है भगवान बुद्ध जी, मेरा बेटा का नाम है चिरवासी। मेरा बेटा दूर एक स्कूल में बोर्डिंग किया है, हॉस्टल में डाल दिया। मैं सुबह सुबह कोई आदमी को चला देता है बेटा को लेके आने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध जी, अगर मेरा बेटा थोड़ा देर हो गया तो, लेट हो गया तो, मेरा दिल बहुत दुखता है, मेरा बेटा को क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया है। शाम होते होते मैं रास्ता को देखते रहता हूँ। सुबह सुबह पिटा दिया आदमी, अभी तक कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। ऐसा इंतजार करके रहता हूँ। ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी छंद राग के कारण ही उत्पन्न होता है, इच्छा के कारण, प्यार के कारण। भगवान बुद्ध ने बताया, भद्र गामिनी, आपका वो चिरवासी बेटा अगर जल्दी से मर गया तो, कोई कष्ट आ गया तो क्या होगा। गामिनी बताते हैं भगवान बुद्ध जी, अगर ऐसे हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उतना ही मुझे दर्द मिलेगा। क्या पता, मुझे मालूम नहीं मेरा जीवन को भी जिंदगी को भी क्या होगा। उस समय भगवान बुद्ध ने बताया, भद्र आप ये कारण ऐसा सोचिए, मैं ये उत्पन्न होने वाले दुख तकलीफ शोक पछताव हटा के कैसे जीवन बिता सकता हूँ। ऐसे सोचने से इसी प्रकार समझना चाहिए, जो कोई दुख इस संसार में उत्पन्न हुआ तो वो सारे दुख छंद मूलकं इच्छा मूलिक होते हुए बन गया है, छंद निदान। इसका कारण, सारे दुख का कारण इच्छा, छंदो ही मूलं दुख से, ये दुख का मूल, दुख का जड़, दुख का कारण इच्छा ही है, और कोई नहीं है। हम लोग भी जो कुछ दुख भोगते हैं इसी कारण से, हम लोगों को ये धर्म अवबोध नहीं होता है इसी कारण से। आप लोग सुने होंगे बंधुल मालिका के बारे में। बंधुल मालिका का घर में एक महासंगदान तैयार हो गया। भंते लोग घर पे आने के बाद भोजन पूजा करते रहते समय एक आदमी हड़बड़ा के घर के अंदर आके बंधुल मल्लिका देवी को एक लेटर दे दिया। बंधुल मल्लिका ये लेटर पढ़ के अपना खमर में घुसा दिया, खमर में रख दिया, रख के फिर खाना बांटने लगे। उनका मन में कोई फर्क नहीं हुआ पढ़ने के बाद चिट्ठी। उस समय जो सब्जी बांट के रहती थी एक नौकरानी, उसी नौकरानी का हाथ से सब्जी गिर गया बर्तन। गिरने के बाद बंधुल मल्लिका वो नौकरानी को तुरंत देखा। देखने के बाद सारिपुत्र बंते जी ने बताया बंधुल मल्लिका, इस संसार में सब कुछ टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, छोड़ दीजिए। इसके बाद बंधुल मल्लिका बोलती हैं, बंते जी
ये मुझे एक चिट्ठी मिला, चिट्ठी पढ़ लीजिए। अपना कमर से निकाल के चिट्ठी दिखाया। मेरा पति तथा 30 मेरा बच्चा बच्चे लोग उपाय से कुमंत्रण करके कोंत मार दिया मेरा बच्चों को तथा मेरा पति को, फिर भी मैं कंपित नहीं हुआ, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, दुख नहीं आया, क्योंकि मैं इस संसार का तरीका, संसार का स्वभाव मैं अवबोध की हूँ। मैं अपना मन को शांत बना के भोजन पूजा की हूँ। देखिए, ये धर्म जो अवबोध करता है, प्राप्त करता है, वे लोगों को जीवन कैसा है, कभी कंपित नहीं होते हैं। जो धर्म की रास्ता पे हैं, वे लोग ऐसा रहता है। अगर आपको ये बात हुआ तो भोजन बांटते समय तुरंत सब्जी फेंक के, भोजन फेंक के, बाल ढीला करके पूरा गिरूर के रोना लगता है, रोना पड़ता है, अरे बनते जी देखिए हम आप लोग भोजन किया, पूजा किया, पुण्य किया, फिर भी मुझे ये सब खोजता है क्या, ऐसे करके बनते लोगों को भी डांट सकता है आप लोग शायद आजकल लोग तो। हम इतना पुण्य किया, इतना ध्यान साधना किया, फिर भी मुझे क्यों ऐसे हुआ, पूरा धर्म को भी डांटने लगता है आजकल लोग। लेकिन असलियत में धर्म की रास्ता पे जो है उसका जीवन जितना कष्ट पीड़ा आ गया था भी वो अपना धर्म की रास्ता पे रहते हैं। लेकिन जो धर्म की रास्ता पे नहीं है वो तुरंत अपना धर्म को भी डांटना शुरू कर देता है, दूसरा धर्म चल जाता है। भगवान बुद्ध भद्रगामिनी को सोचने के लिए और एक कारण बताया। उन्होंने पूछा, गामिनी, वो चिरवासी आपका बेटा, बेटा का माँ के बारे में सोचिए। चिरवासी बेटा का माँ मतलब भद्रक गामिनी का पत्नी। भगवान बुद्ध पूछते हैं, भद्रक, अगर वो आपका पत्नी चिरवासी का माँ के बारे में कभी सुनाया तक नहीं है, तो कभी देखा तक नहीं है, तो उसके बारे में आपका दिल में कोई प्रेम प्यार राग स्नेह नहीं है, तो ऐसे सोचिए, नहीं ऐसा कभी सुना तक नहीं, देखा तक नहीं, कोई प्यार भी नहीं है। ऐसा हो गया तो कभी आपको उसके ऊपर प्यार उत्पन्न होता है, कभी नहीं। अगर जिस दिन आप उन्हीं को देखा है, उस उनके बारे में जानकारी हो गया, उसी दिन से आपका बंधन प्रेम स्नेह उत्पन्न हो गया। देखिए कितना सत्य है ये। कोई कोई लोग अपना प्यार वाली पति या पत्नी को कोई कष्ट आ गया तो, अगर मर गया तो जीवन भर पागल हो जाता है, इतना ही ये बंधन खतरनाक है। हम लोगों को जो कुछ हम लोग से छूटने के बाद, विदा होने के बाद हम लोग इसीलिए रोते हैं क्योंकि हम लोग को अपना मन शांत नहीं करवा सकता है। क्योंकि हम लोग जो प्रसन्न करता है, प्यार करता है, वो चीज बदलते जाता है हमेशा, लेकिन वो हम लोग अवबोध नहीं किए हैं, हमारे ये जो प्यार की चीज है वो सब बदलते रहता है। ऐसे हो गया तो क्या होगा, प्यार करते करते रहना पड़ेगा,
ऐसे है तो ये हर एक दुख कैसे उत्पन्न हुआ? हम सभी लोग जो बदलते रहता है वैसा चीज को प्यार करते हैं, इच्छा उत्पन्न करता है। ऐसे नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत के सामने बिना पछताव बिना दुख से अच्छे से रह सकता है। जिस दिन आप अपना जीवन में जो कुछ पर प्यार है, आसक्त है, राग है, वो सब छोड़ दिया तो उसी दिन छोड़ दिया तो मतलब असलियत समझ गया तो उसी दिन आपका मन में दुख आपको त्याग कर देगा। आसक्त के कारण दुख उत्पन्न होता है। इसके बारे में भगवान बुद्ध एक दिन बांते लोगों को बताए एक सुंदर उदाहरण उपमा। एक लड़का है, वो एक लड़की साथ प्यार करना शुरू किया। अब ये लड़का को कोई किताब पढ़ लिया था भी तुरंत दिखाई देता है वो लड़की, तथा और कोई लड़की को देख लिया तब भी अपना गर्लफ्रेंड को याद आता है, फिल्म देख लिया तब भी मन में आता है अपना जो प्यार वाली लड़की साथ गाता है, घूमता है, खेलता है, ये सब हमेशा याद में है, हमेशा मन में आते रहता है। मगर एक दिन ये लड़का को दिखाई दे दिया अपना गर्लफ्रेंड, अपना प्यार वाली लड़की दूसरा एक लड़का के साथ हाथ पकड़ के जा रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, उसी समय वो लड़का का मन में कैसा विचार आएगा? बंते लोग बताया भगवान बुद्ध जी, उस समय वो लड़का को बहुत दुख आएगा, शोक आएगा, बहुत चिंता पछताव आएगा। शायद पता नहीं क्या होगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, किसलिए वो लड़का को दुख शोक पछताव आ गया? बंते लोग बताया भगवान बुद्ध जी, वो लड़का वो लड़की को प्यार करता है। वो लड़का सोचता है हमेशा वो लड़की अपना वश में रहेगी, अपना पास रहेगी, लेकिन वो नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया, इसीलिए उसको दुख है। तो ये क्या किया, वो लड़की को जा करके समझाया, फिर भी वो नहीं सुनी। अंत में ये लड़का ने सोचा, किसलिए मैं ऐसा लड़की को प्यार करता हूं? ऐसा सोच के लड़की के बारे में जितना प्यार है, जितना इच्छा है, आ सकते हैं, वो सब छोड़ देता है, सारे प्यार छोड़ देता है लड़का सोच के। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं भिक्षु, वो इसके बाद और एक दिन वो लड़का को, वो लड़की और एक लड़का को, लड़का का हाथ पकड़ के जाना दिखाई देता है, उस समय मन में दुख उत्पन्न होता है? नहीं उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि लड़की के ऊपर जितना प्यार था, इच्छा था, पसंद था, वो सब छोड़ दिया। ऐसे है तो इसी के कारण समझना, अच्छी तरह से समझ में आता है, हम लोगों के जीवन भर है इच्छा के कारण बनाया हुआ दुख, प्यार के कारण, पसंद के कारण बनाया हुआ दुख। हम लोगों को जल्दी से ये बंधन, ये प्यार समझ नहीं सकता है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे हमको तो ये त्याग करना बहुत आसान है, ये सब कुछ त्याग कर सकता है, बहुत छोटा मोटा चीज है, जल्दी से हटा सकता है। लेकिन विदा हो के देखना चाहिए, विदा होने का समय आना चाहिए, उसी समय पता लगता है कितना खतरनाक, बहुत डेंजरस, नहीं विदा हो सकता है। और लोग बताते हैं समय आएगा ना हम सब त्याग करेंगे, सिर्फ बोलता है, मन में आता है कर पाएगा, लेकिन करते समय मन में आता है ये नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? अपना जीवन में कुछ भी त्यागने के लिए प्रयास नहीं करता है, हमेशा ये शरीर के साथ बंधन हो के हम लोग आनंद लेते लेते रहने के लिए ही कोशिश किए हैं जन्म जन्म में। मन से विचार लेकर के आनंद लेने के लिए कोशिश करते हैं, ये आदत तुरंत हम लोग से हटा नहीं सकता है, ये हमारे मन का स्वभाव है। अब देखिए एक पेड़ है, उसी पेड़ को रोप के उसी को अच्छी तरह से पानी उनी डाल के पोषण डालने के बाद क्या होता है, जल्दी से वो पेड़ बड़ा हो के फूल फल देना शुरुआत कर देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाई देता है सचमुच में पेड़ के पास भी जान है, पेड़ को भी जान है, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अगर पानी नहीं दिया तो होता है क्या, पेड़ मर जाता है। जड़ काट दिया तो पोषण नहीं चूस सकता है, पेड़ मर जाता है। पेड़ को जिंदा रहने के लिए जो कुछ कारण है वो कारण अनित्य हो गया तो, वो कारण नष्ट हो गया तो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही है, हर एक चीज का कारण होता है, कारण नष्ट किया तो वो चीज भी खत्म हो जाता है। अगर ऐसा पेड़ के बारे में भी हमको ये समझना मुश्किल है तो पेड़ भी पकड़ के रह गया तो, पेड़ को सुबह रात देख कर उस पर आसक्त हो गया तो अपना जीवन के बारे में अपना शरीर के बारे में क्या बात है। फिर भी ये शरीर तो अनित्य है, ये हमें समझ में नहीं आ गया तो हम लोग हमेशा आनंद लेने के लिए कोशिश किया तो ये माया जादूगर जैसा विज्ञान नहीं समझ गया तो हम लोग हमेशा खतरे में फंस जाते हैं। आप अपने के बारे में थोड़ा सा देखिए, आपका वो विज्ञान आप माया में फंसा के माया जाल में फंसा के आपको आनंद दिला के रहता है, आपको भी पता नहीं चलता है। कभी कभी आप मन से खाना खाया कि नहीं, सुंदर सुंदर स्वाद वाले खाना रोटी वगैरह खाया कि नहीं, या बनाया कि नहीं, मन से बनाया है। खाना देखने के बाद आपका मुंह में पानी आता है कि नहीं, आता है। उस समय क्या करते हैं, तुरंत मन से खाना बना के खाते हैं, और शादी का घर में जाता है, साड़ी पहनते हैं, बाल का डिजाइन डालते हैं, ये सब कुछ शादी का घर में जाने के बाद सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं मन से।
शायद जो जो दिखाई देते हैं उन लोगों के साथ शादी भी करता है मन से, गाड़ी खरीदता है, ग्वाल बनाता है, बच्चा लोग बनाता है, कुत्ते लोग बनाता है, जानवर बनाता है, ऐसे सब कुछ बना के आनंद लेता है मन से। अगर आप अकेला रह गया तो कहीं रूम में या कहीं एक जगह पे अकेला रह गया तो क्या क्या सोच के रहेगा, कई प्रकार के विचार आपका मन में आते रहेगा। कभी कभी मन से ही लड़ाई करता है, कभी कभी मन से डांटता है, ये सब कुछ होता है विज्ञान के कारण। कौन सा विज्ञान के कारण? माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान के कारण। ऐसे हैं तो जहां आनंद है वहां हम लोग अपना मन को फंसा देता है। ये आनंद खुशी भोगने के लिए जो पसंद है वो भी अनित्य होता है। ये अनित्यता को हम लोग देखने के लिए कोशिश करना चाहिए, मुश्किल है, सत्य को समझना मुश्किल, लेकिन करना पड़ता है। बहुत मिहीन है ये माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान का यथार्थ सत्य को समझना, बहुत ही मिहीन का काम है। आप देखिए, आप अपना जीवन में कभी कभी सोचा विचार करके जो मन से पाता है वो सारे चीज मन में जो बनाता है वो सब कुछ आपको अपना जीवन के सच असली जीवन में है जैसा लगता है कि नहीं लगता है? एक दिन एक छोटा बंते जी बड़ा बंते जी को देने के लिए छीवर लेके आया। छीवर ला करके बड़ा बंते जी को पूजा करते समय बड़ा बंते जी वो छीवर स्वीकार नहीं किया। बताया छोटा बंते जी, मेरे पास तो बहुत सारे चीवर हैं, दूसरा किसी को दे दीजिए। इसके बाद ऐसे होने के बाद छोटा बंते जी का मन दुख हो गया। देखिए मैं बहुत मुश्किल से लाया चीवर, बड़ा बंते जी लिया नहीं। ये छोटा बंते जी का मन बड़ा बंते जी ने देखा, बताया छोटा बंते जी मुझे थोड़ा हवा हो की तो। छोटा बंते जी एक पंखा लेकर के हवा होकते होकते सोचता है, मैं कितना श्रद्धा से कितना प्रसन्न मन से वो चीवर ले लाया फिर भी स्वीकार नहीं किया, ठीक है मैं घर जाऊंगा, मेरा ये चीवर का कोई जरूरत नहीं, हम चीवर छोड़ के घर जाऊंगा, घर जाकर के हम खेती उती करूंगा। देखिए कितना दूर जाता है ये विचार। ये बंते सोच रहा है मैं अच्छी तरह से खेती उती करके फसल उपजाऊंगा, इसके बाद कमा उमा के एक गाय ले लूंगा, बहुत दूध देने वाली गाय लेकर के उसको खाना वाना घास देने से बड़ा होने के बाद बच्चा को भी देगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे आएगा, मैं एक जगह से जमीन खरीद के छोटा सा एक घर बनाऊंगा, इसके बाद हम कहीं एक अच्छा खानदान से शादी भी करूंगा, शादी करके एक दिन मेरे पत्नी के पत्नी को एक बच्चा भी मिलेगा, बच्चा मिलने के बाद उसी दिन मैं अपना पत्नी के साथ मिठाई बना के बड़ा बंते जी को दे के आऊंगा। बड़ा बंते जी के पास आने के बाद अगर मेरा पत्नी अपना बच्चा गिरा दी तो हम नहीं देखते हैं, बड़ा बंते जी बगल में मारूंगा खस के, ऐसे करके छोटा बंते जी पंखा लेकर के बड़ा बंते जी का सिर पे मार मार के गया।
बड़ा बंती जी पूछा, हाँ छोटा बंती जी, आप अपना पत्नी को मारा या मुझे मारा है? देखिए मन का तरीका। बड़ा बंती जी पूछने के बाद तुरंत होश में आ गया। देखिए माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान का तरीका। कोई भी दुख आ गया तो दुख को मिटाने के लिए कई प्रकार की रास्ता दिखाता है आपका मायाकारी विज्ञान। कभी कभी देखिए आप अपना के बारे में सोचिए, कभी कभी अकेला रहते समय तुरंत हंसी आता है कि नहीं? तुरंत हंसी निकलता है। कभी कभी अकेले रहते समय गुस्सा आता है, कभी कभी अकेले रहते समय आंखों में आंसू आता है। क्यों? ये सब कुछ बना के देता है विज्ञान, माया जाल में फंसा हुआ विज्ञान कई प्रकार के चीज बना के देता है। संसार के लोग आराम से फंस जाते हैं। इसी प्रकार आनंद भोगने के लिए, खुशी भोगने के लिए हम सब का मन हमेशा तैयार रहता है। इसलिए ये मायाकारी विज्ञान का यथार्थ सत्य को समझकर ये चीज से मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। भगवान बुद्ध ने बताया धर्म की रास्ता पे जाने के लिए सतिपट्ठान में बढ़ना चाहिए, स्मृति में, और ये हमेशा अपना शरीर को देख के खुशी हो गया, आनंद लेने के लिए को सोचा, ये शरीर को अलग अलग करके देखने के लिए बताया। आंख बंद करके एक जगह बैठ के शरीर के अंदर चीज अलग अलग करके देखने के लिए, ये हैं केस, ये लोम, ये नाखून, ये दांत, ये चमड़ी, ये पेपड़ा, ये बड़िया, ये चोटिया, ऐसा अलग अलग करके देखने के लिए बताया। क्योंकि बहुत जन्मों में हम लोग अपना शरीर को आसक्त होते आया है, कभी दिमाग से मनन नहीं किया सत्य को। इसलिए हम लोग अभी प्रयास करना चाहिए अपना शरीर का सत्य समझने के लिए। अलग अलग करके देख लिया तो सिर्फ गंदगी से ही भरा हुआ है ये शरीर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं कर सकता है। देखिए अविद्या अंधकार कितना पावर है। भगवान बुद्ध ये शरीर को देखने का तरीका बताया, धातु के हिसाब से देखने के लिए बताया, आयतन के तरफ से देखने के लिए बताया, शरीर का इंद्रिय आचरण के हिसाब से देखने के लिए बताया। शरीर जैसा तैसा रहता है उसी प्रकार से देखने के लिए बताया। ये शरीर धीरे धीरे मरने के बाद मृत्यु शरीर बन जाता है, बाद में ये हड्डी बन जाता है, हड्डी भी खत्म हो जाता है, इसी प्रकार देखने के लिए बताया। मेरा शरीर भी ऐसा जंगल में डाल दिया तो मिट्टी बन जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे देखने के लिए बताया। और ये श्वास लेना, श्वास छोड़ना, आना पाना सति ध्यान के हिसाब से देखने के लिए बताया। इसी प्रकार कई प्रकार से मनन करके ये शरीर को देखने के लिए भगवान बुद्ध बताए हैं। इसके लिए हमें चाहिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेगा तभी तो मन मजबूत होता है। थोड़ा सा हमको ये सत्य समझने के लिए आसान होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है मन का स्वभाव बहुत मुश्किल समझना। कभी कभी थोड़ा साधना करने के बाद मन ध्यान में आता है, आने के बाद फंस जाता है। आजकल भारत में भी बहुत सारे बाबा लोग, गुरु लोग, बहुत सारे लोग अपना मन की माया जाल में फंस गया।
विज्ञान में फंस गया। कैसे फंस जाते हैं? थोड़ा ध्यान करता है, ध्यान करने के बाद मन शांत होता है, शांत होने के बाद विज्ञान अलग अलग प्रकार का चीज बना के दिखाता है। उसमें ऐसे होने के बाद लोग सोचता है मैं ज्ञान प्राप्त हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं गुरु बन गया, अभी सभी लोग मेरे शरण में आइए। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, बोलते रहता है, अपना माया की जाल में फंसा हुआ, खुद पता नहीं है क्यों। क्योंकि ऐसे पता होना चाहिए तो भगवान बुद्ध की उपदेश चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है समझने के लिए। और लोग सीलवान होता है, सीलवान होकर थोड़ा ध्यान करके सोचता है हम है इस संसार में सबसे बड़ा, हम जैसा गुणवान ध्यान करने वाले कोई नहीं है, हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, हम जैसा और कौन है। ऐसा सोच के अपना मन में अहंकार घमंड उत्पन्न होता है, मैं इस धरती में रहने वाले एक गुरु है, देखिए मेरे पास हजारों लोग आते हैं ज्ञान सुनने के लिए। अगर उनके पास हजारों लोग आ गया तो लाखों लोग आ गया तो तुरंत घमंड आता है, मैं सचमुच में भगवान हूँ। इसके बाद धीरे धीरे उनका मन में आता है, कभी कभी सुने भी हैं, देवता ब्रह्म भी देवताओं भी नमन करता है ऐसा साधु संत को। इसके बाद इनका मन में आता है हाँ ऐसे है तो मुझे भी लोग नमन करते होंगे। इसके बाद अपना मन के सामने एक देवता आ जाता है, अपना मन से बना के देता है ना, असलियत नहीं होता है। लेकिन ऐसा साधना करते समय अपना विज्ञान माया में फंस के अपने को दिखाता है देवताओं। इसके बाद ये बोलता है देखो मुझे देवताओं भी आके बात करता है, मुझे महाब्रह्म जी आशीर्वाद करते हैं, मुझे शक्ति दिया है, ऐसे विष्णु जी मुझे शक्ति दिया है, ऐसे करके लोग फंस जाते हैं अपना मन की माया जाल में। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ऐसा बोलने के बाद, बाकी लोग को कुछ पता नहीं है ये मन की माया है, कुछ पता नहीं। लोग सोचता है हाँ ये सत्य हैं, अरे ये तो भगवान है भगवान, ऐसे करके बाकी लोग भी फंस जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया ये एक सब कुछ विज्ञान का माया है, मन की माया है। ऐसा विचार अपना मन में आने के बाद भगवान बुद्ध ने बताया तुरंत सोचने के लिए ये मन अनित्य है। मन में ये जो आया विचार वो भी अनित्य है, बदल जाता है, सदाकालिक नहीं है। विज्ञान भी अनित्य है, वो भी बदल जाता है, सदाकालिक नहीं है, ऐसा सोचने के लिए बताया। ऐसे है तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है, ध्यान करते समय, सील पालन करते हुए रहते समय हम लोग कई प्रकार के दृष्टि में फंस सकता है। इसलिए हमेशा हम लोगों के पास होना चाहिए चार कारण, मैं ये दुख को अवबोध करूंगा, दूसरा मैं ये दुख का कारण को नष्ट करूंगा, तीसरा मैं ये दुख से मुक्त हो जाऊंगा, चौथा ये मैं ये दुख से मुक्त होने के लिए एक सुंदर रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मैं उस मार्ग को प्रयास करूंगा। ऐसे करके चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगाना चाहिए, तभी तो थोड़ा बच सकता है। अब देखिए भगवान बुद्ध के धर्म में ज्ञान से मनन करके जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान से मनन करके समझने कहीं है, ऐसे नहीं है तो जो आसक्त होता है उसमें आसक्त होते हुए बंधन होते हुए जाने का तरीका भगवान बुद्ध के धर्म में नहीं, बाकी धर्म में है।
भगवान बुद्ध ने बताया ये बात एक सुंदर उदाहरण से। एक अंधा आदमी को कपड़ा मिल जाता है, एक सुंदर वस्त्र मिल जाता है, उसी प्रकार है एक आदमी को दोनों आंख अंधा है, उसको एक वस्त्र मिल गया पहनने के लिए। ये अंधा आदमी सोचता है इस संसार में लगता है सबसे सुंदर वस्त्र मुझे मिला है। इसके बाद वो अपना दोस्त लोगों के पास जा करके दोस्त लोगों के लोगों को बताते हैं, अरे दोस्त मुझे चाहिए इस संसार में सबसे सुंदर कपड़ा वस्त्र चाहिए। ऐसा अंधा आदमी अपना दोस्त लोगों को बताया। दोस्त लोगों ने मिलकर के क्या किया, एकदम गंदा जगह जगह सठ पटा हुआ कपड़ा को पहनाता है। पहनाने के बाद ये अंधा आदमी को बहुत खुशी है, क्यों दिखता नहीं है, ये सोचता है इस संसार में सबसे सुंदर मुझे पहना दिया है। लेकिन ये खुशी हो जाता है, क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता है। अब ये लाठी लेकर के हर जगह जाता है, जाकर के सब जो जो मिलता है उन सभी लोग को बताता है, देखो मेरा कपड़ा कितना सुंदर है, कितना महंगा है। ऐसे बोल के जाते समय आदमी लोग कहते हैं बेचारा, ऐसे करके लोग हंसते हैं। एक दिन एक डॉक्टर साहब ये देख करके दया करके इसका आंखों में इलाज करवाया, इलाज करवा के आंख ठीक करवाया। आंख ठीक होने के बाद तुरंत ये आदमी देख लिया अपना कपड़ा को, अपना वस्त्र को। देखने के बाद जो सोचा वही कपड़ा नहीं है, इधर उधर से पटा हुआ, गंदा है, कुरूप है, ऐसा कपड़ा पहना हुआ तुरंत फेंक दिया फाड़ के, ठीक ऐसा बोल के भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही है। आदमी लोग संसार के रहने वाले लोग आंख कान नाक जीभ शरीर मन ये छह इंद्रिया में फंसा हुआ है। छह इंद्रिया में जब तक फंस के रहता है तब तक सत्य नहीं देख सकता। जिस दिन सत्य देख लिया तो छह इंद्रिया के बारे में जितना आसक्त है इच्छा है सब छोड़ देता है, सब हटा देता है। आप सोचिए अगर आपका आंख को क्या कुछ हुआ तो क्या होगा, दुख उत्पन्न होता है कि नहीं, होता है। आंख को कुछ हुआ तो दुख क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि आंख के बारे में आपका मन में लगाव है, प्यार है। कान को कुछ हुआ तो दुख उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, कान को आप प्यार करता है। अगर आपका नाक को कुछ हुआ तो दुख होता है, अगर आपको जीभ को कुछ हुआ तो फिर भी दुख होता है, क्योंकि आप जीभ को प्यार करता है। अगर शरीर को कुछ हुआ तो तुरंत दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि आप शरीर को प्यार करता है, इसका कारण शरीर पर प्यार। अगर आपको मन को कुछ हुआ तो फिर भी दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि मन को प्यार करता है। बहुत समय तक हम लोग ये छह इंद्रिया को इस्तेमाल करते करते आसक्त होते हुए आ गया। भगवान बुद्ध ने बताया ये छह इंद्रिया का सच्चाई को मनन करके करके समझने के लिए, ऐसा मनन करते करते समझने के लिए कोशिश किया तो अंत में सिर्फ मिल जाता है अनित्य, उन्हीं को अनित्य समझ में आता है।
उनको समझ में आता है अनित्य के कारण ही ये सब दुख मिल जाता है। ऐसा है तो ये कुछ भी मेरा वश में नहीं कर सकता है। ऐसा समझ गया तो ये सारी चीज का मूल क्या होता है, छंद है, इच्छा, छंद राग नष्ट हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया उनको सच्चाई ज्ञान मिल जाता है। सच्चाई ज्ञान मिलने के बाद, अवबोध होने के बाद, अवबोध से ही अनासक्त होता है। निबिंदति, निबिंदति मतलब अवबोध से ही सारे चीज से विदा होता है, अनासक्त होता है। ऐसे अनासक्त होने के बाद कोई भी कारण पे सटता नहीं है। निबिंदं विराज्यति, सटता नहीं होने के कारण मुक्त होता है। विराग विमुच्यति, इसी प्रकार सारे दुख से मुक्त मिल जाता है। अगर हम लोग भी जीवन में कभी भी ये सत्य को जब तक नहीं दिखेगा तब तक दुख पकड़ के रोते रोते रहना पड़ता है। अगर प्रार्थना किया तो मुझे कभी दुख ना मिले, मुझे ये आशा खत्म हो जाए, ऐसा प्रार्थना करने पर नहीं होता है। इसके लिए भगवान बुद्ध एक रास्ता दिखाया, वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसी रास्ता पे जाकर के पाटिच समुपाद को समझ के हम लोगों के अविद्या अंधकार नष्ट कर सकता है। भगवान बुद्ध के उपदेश में एक जगह बताते हैं, ये पूरा धरती का मालिक बनने से भी ज्यादा देवताओं के पास जाकर के देवराज बनने से भी ज्यादा सोतापन्न होना अच्छा है। सोतापन्न होना मतलब मुक्ति की रास्ता पे जाना ही अच्छा है। इसलिए हम लोग ये धर्म की रास्ता पे जाना चाहिए, सोतापन्न होने के लिए मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी मन से हम लोग मेहनत करना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को गंदगी दोस्त मिल गया तो हम लोगों किसी रास्ता से आगे नहीं जा सकता है। आप सुना होगा एक कहानी, एक दिन एक राजा का महल में मीठा बना के एक आदमी मीठा लाया। उसी मीठा खाने के बाद राजा ने बताया, आपका ये मिठाई बहुत टेस्ट है, आप ये मीठा इतना अच्छा से कैसे बनाता है। वो आदमी बताया, महाराज सबसे पहले ये मीठा बनाने के लिए मैं सोने का बर्तन इस्तेमाल करता हूँ, इसके बाद सोने का डब्बू लेके अच्छे से मिलाता हूँ, इसके बाद हम चांदी का तीन पत्थर लेकर के उसके ऊपर ये सोना का थाली रख के चंदन का लकड़ी डाल के ऊपर से उजला कपड़ा से छत बना के मुंह पे कपड़ा पहन के मैं बनाता हूँ। इसके बाद राजा ने बताया, वाह ऐसे बनाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम और खाएंगे। एक दिन राजा ने सोचा, निर्णय लिया, हम आज जाएंगे वो आदमी मीठा बनाता है देखने के लिए, बहुत अच्छा से बनाता है। घर गया, जाते समय देखा एकदम गिरा हुआ झोपड़ी, झोपड़ी के अंदर जंग लगा हुआ एक बर्तन है, उसी बर्तन में जंग लगा हुआ एक चम्मच लेकर के मीठा बनाता है, मिठाई बनाता है। कैसे? पूरा पसीना है पूरा शरीर में आदमी का, ऊपर से नीचे कुछ नहीं, ऊपर से भी गंदा गिरता है, नीचे भी गंदा है। इसके बाद महाराजा ने बताया,
ए दुष्ट, तुम उस दिन कैसे बताया है, लेकिन अभी तुम करता है कैसे? वो आदमी ने बताया, महाराज बताते समय तो ऐसा है लेकिन करता है इसी प्रकार। ऐसा श्रद्धा हम लोगों को चाहिए नहीं कि हम लोगों को श्रद्धा है बताने के लिए लेकिन अवबोध नहीं। कभी पलटने वाला श्रद्धा है तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, लेकिन बोलता है अच्छी तरह से मेरे मन में श्रद्धा है। बहुत सारी दृष्टि आपका मन में है तो मुश्किल है। श्रद्धावान लोग हमेशा भगवान बुद्ध की रास्ता के बारे में सोच के रहता है, सत्य को समझने के लिए मेहनत करता है। इसलिए हम लोग भी बहुत ही मेहनत करना चाहिए ये आर्य सत्य को समझने के लिए। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है श्रद्धा। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम क्या था? भद्रक। बहुत सरल से भगवान बुद्ध आर्य सत्य के बारे में इसी सूत्र में समझाया हम सबको। आप सभी लोगों को भी इसी प्रकार विज्ञान की माया जाल में बिना फंस के सभी लोगों को आर्य सत्य को प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।